अब तूने एक बार और ना बोला तो मैं तेरा फेस रिवील कर दूंगा। फेस रिवील? कैसा फेस रिवील? इसलिए तो तेरे को उठाया है ताकि तू मेरा चैलेंज कंप्लीट कर सके। अगर नहीं गया तो मैं तेरा फेस रिवील कर दूंगा, समझा? कैसा फेस रिवील? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैलेंज बस ये है कि तुम्हें ग्रैंड मास्टर जाना पड़ेगा सीएस रैंक में, वो भी बिना किसी मैच को हारे। तो अब हम ऐसी कंडीशन में आ चुके कि अगर हमने ये वाला चैलेंज नहीं किया तो हमें करना पड़ सकता अपना फेस रिवील। एंड हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा कोई ऐसा फेस रिवील कर दे इस टाइम पे, इसलिए हम ये पूरा ट्राई करेंगे कि हम इस चैलेंज को एक बार में कंप्लीट कर दें। वैसे एक चैलेंज तो बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि हमें बिना एक मैच भी हारे हमें ग्रैंड मास्टर तक पुश करने सीएस में, इसलिए हम इतना डर रहे क्योंकि एक मैच तो कोई भी बंदा किसी भी रीजन की वजह से हार सकता है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हम एक मैच भी ना हारे क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस हिसाब से तो आरसीबी के पास भी एक ट्रॉफी होनी चाहिए थी। मैं आपको बता दे तो हम लोग कैसे इस चैलेंज को पूरा करने वाले हैं। हमने इस सीजन और इससे दो सीजन पहले बिल्कुल मैच नहीं खेला एंड हमारी रैंक अभी गोल्ड पर है, हमारा सारा पॉइंट टेबल एकदम 0-0 है। हमें हर एक मैच जीतना पड़ेगा एंड जितने मैच हम लोग खेलेंगे उतने मैच हमें जीतना पड़ेगा। तो आपको लगे ना कि हम लोग चीटिंग करें, इसलिए हम आपको हर एक चीज शेयर करते रहेंगे हर एक मैच के बाद एंड कुछ मैच भी आपको दिखाते रहेंगे। बाकी स्ट्रीक एंड हिस्ट्री देखिए तो आपको पता लगता ही रहेगा कि चैलेंज पूरा फेयर जा रहा है। तो इससे पहले कि न्यू सीजन है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है वीडियो। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करने पे अपने आईडी में दिखा दे दो, सारी चीज एकदम जीरो है, गेम से लेके विन से लेके सारे मैचेस एकदम जीरो है। यहाँ पर अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग एंड ये मेरी आईडी एंड इसमें भी तुम देख सकते हो नंबर ऑफ गेम्स एंड नंबर ऑफ विन मैचेस सारे जीरो और विन रेशियो भी जीरो है। चल बस शुरू भी कर दे। तो ये हमारा पहला मैच एंड यहाँ पर फर्स्ट राउंड तो बहुत ईजी था क्योंकि अभी बंदे इतने हार्ड नहीं आने वाले उस लेवल के एंड हमने जल्दी जल्दी राउंड निकालते जा रहे हैं। ये वाला राउंड मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर मैं करता हूँ अपना ग्रेनेड। जिन बंदों ने मेरी पहले टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो देखी हुई सीएसआर में उसमें मैं आपको ट्रिक बताया, यहाँ से अगर कोई बंदा है तो आप ग्रेनेड करोगे एंड सामने आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, आराम से आप पूरी गेम को ले सकते हो। यहाँ से आप मेरी स्ट्रिक को यूज कर सकते हो अपने सीएस रैंक में पुश करने के लिए। बाकी यहाँ पर राउंड तो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, लास्ट राउंड बचा था, एक बंदा बचा था, यहाँ पर मार के मैंने खत्म कर दिया। 3-0 हो गया, आराम से माला मैच हम लोग जीत चुके हैं। तो पिछला वाला मैच इसलिए जीतने के बाद हमने नेक्स्ट मैच चालू करा एंड इधर सबने वन टप वाली गन ली थी। हमें लग रहा था कि हम बड़े प्यार में मार देंगे लेकिन हम नहीं मार पाए, मैंने बस एक को ही नॉक कर पाया, बाकी मैं मर गया इधर। नो लास्ट में बस आयुष बचा था लेकिन वो क्या ही करता, 1v2 मतलब नहीं कर पाया, इसलिए ये वाला राउंड हम हार गए। अब देखो पिछले वाला राउंड तो हम हार ही गए थे इसलिए हमारा ये वाला राउंड जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि मैच हमारे हाथ से निकल जाता, लेकिन हम ये वाला राउंड भी नहीं जीत पाए, सारे मर गए इसमें भी। खेलेंगे थोड़ा सा। अब इन्होंने हमें दो राउंड बहुत मारा, मतलब आयुष को चीखे निकाल दी इन्होंने, तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन अब हमें अपनी तलवार निकालने का टाइम आ गया था एंड इधर मैंने एक तलवार एक के अंदर घुसी भी दी एंड उसने में एक और बंदा काफी देर से छुपा होता तो उसको भी ढूंढ के जोन में जाके मारा हमने, लेकिन देखो फिर भी दिमित्री लगा रहा है। जी जी जी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया था एंड मैंने दूर से स्कोप के साथ एक बंदे की गुद्दी सुझा दी थी लेकिन साला पता नहीं आगे एक और बंदा आ गया कहां से। अब इसको मैंने जल्दी से रिवाइव दिया, नीचे कूदा लेकिन भाई इसके कूदने का खड़े होने वाले सिस्टम की वजह से मैं भी मर गया, लेकिन मेरा मरने का ज्यादा गम नहीं था क्योंकि हमारी टीम के चार बंदे बचे थे, पता ही था कि ये राउंड भी हम जीत ही जाएंगे। अब फाइनली हमारे दो राउंड हो गए थे इसलिए हम बिल्कुल फ्री जा रहे थे लेकिन इधर भाई कहां से रश पता नहीं कैसे पड़ गया इधर रश, उधर की फाइट संभाल के आगे गया तो देखा भाई एक और बंदे था M10 के साथ कैंप कर रहा था, लेकिन किसी तरह ये राउंड हम जीत गए फाइनली, पता नहीं कैसे जीत गए लेकिन जीत गए। अब अगले राउंड में मुझे मानने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने जीता दिया। यहाँ पर 10-11 मैच जीतने के बाद यहाँ पर हमारा अगला मैच स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पर ये बंदा छुपने की कोशिश कर रहा है, बट कहाँ छुपेगा भाई, कैसे छुपा है भाई, हेड मार के इसको यहाँ पर खत्म कर दिया। ये वाला राउंड तो बंदों ने खत्म कर दिया ग्रेनेड फेंक के। अब इस मैच में मैंने AK-47 बहुत ही ज्यादा तगड़ा चला था, वो कैसे चला था वो आप ही देखो। अब यहाँ पर एक तो क्रोनो की स्किल ऐसे यूज करते हैं, क्या ही बोलूं मैं इस पे। अब यहाँ पर बच्चे आखिरी बंदा, मेरे को भी किल चाहिए, देखिए मेरे को केडी अपनी बढ़ानी है। यहाँ पर बंदा छुपे हुए, मैंने उसे देख लिया एंड उसको भी हेड मार के खत्म कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगला हेडशॉट किंग तो सड़ीके, अब तो सच बोल दे। देखो भाई सच क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कैसे हेड लग रहे हैं भाई, मतलब कुछ आग मूत रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट बंदा बचा, मैं सोचूं वो थोड़ा बाहर निकले तो मैं हेड मारूं, बट यहाँ पर मेरा बंदा तो मार दिया उसने। यहाँ पर इसको लग रहा है कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ भाई, इसके पीछे ही हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरा एस हो जाता है। ओरे बाबा,
मतलब देख रहे हो ना गाइस किस तरीके से मैं हेड मार रहा हूँ भाई, मतलब एक ही तो खतरनाक चल रही है इस मैच में, मतलब एक ना एक बंदा तो नॉक होना ही होना है, यहाँ पर मैं मार देता हूँ बट यहाँ पर खुद नॉक हो जाता हूँ, थोड़ा हेल्थ बचता है मेरा बट सामने वाले बंदे को भी नॉक कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर मैच हार चुके लेकिन बंदे को किल पूरा चाहिए भाई, यहाँ पर हेड मार के इस मैच को जिता गया है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमने किस तरीके से स्ट्रीक बनाई है, कितनी स्ट्रीक बनाई, कितने मैच जीते यहाँ पर। तो अभी तक हम काफी मैचेस खेल चुके हैं, मजे की बात तो ये कि हम शुरू से लेके अभी तक सारे मैचेस जीत चुके हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री में भी देख सकते हो लगातार सारे मैचेस एकदम विक्ट्री 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 दिखा रहा है, इसलिए हमारी 17 की स्ट्रीक भी बन गई। एक बार आपको ओवरव्यू में भी दिखा देता हूं कि अभी तक हमने 16 मैचेस खेले हैं, 16 के 16 मैच ही हमने जीते हैं। ये सब चीज हम टाइम टू टाइम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे, आपको भी पता चलते रहे कि ये पूरा मैच फेयर जा रहा है, पूरा चैलेंज फेयर है। यहाँ पर हमारे 17 स्ट्रीक बनाते हैं, यहाँ पर मेरा रीशफल हो गया है, यहाँ पर मैं प्लेटिनम से सीधा डायमंड 1 पे आ चुका हूँ, मतलब आई थिंक ये नया रूल आ गया, मतलब रीशफल का पहले ऑप्शन नहीं था बट यहाँ पर आ गया, अच्छी बात है यार हमारे लिए, अच्छी बात है कि हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। यहाँ पर भी मैं आ गया बहुत मैच खेलने ताकि हम जल्दी जल्दी खेल के यहाँ पर हीरोइक भी लगा ले भाई। तो चलो फिर आगे मैच खेलते हैं, फिर जल्दी जल्दी हीरोइक भी जाते हैं। अब इस वाले मैच में तो पहला राउंड हम बहुत बुरी तरह हारे थे एंड सेकंड राउंड में भी सारे मर गए थे, बस मैं ही बचा था अकेले, 1v3 की सिचुएशन हो गई थी। देखो डर इस बात का नहीं था कि 1v3 की सिचुएशन है, 1v3 की सिचुएशन आगे बहुत एंड करा भी अच्छी तरीके से, लेकिन उजी थी भाई उस वक्त, उजी अपना काम खल्ला, लेकिन दो बंदों को तो मैंने आराम से पेल दिया था, आखिरी वाले के साथ क्या हुआ था ये आप ही खुद देखो। बस हवा निकल गई। अब दो राउंड लगातार हारने के बाद हमने एक राउंड तो बड़े इजीली जीत लिया था एंड अब इस वाले राउंड में भी हमने अंधा रश करा, ये राउंड भी जीत के बड़े प्यार में। क्या दिख रहा है? अब इस वाले राउंड में मुझे एक ही बंदा दिखा एंड मैंने उसको फिनिश कर दिया एंड बाकी बंदों को भी टीममेट्स ने फिनिश कर दिया एंड ये वाला राउंड में निकल गया। अब यहाँ पे लास्ट राउंड बचाता है, इस पॉइंट पे हमें खेलते हुए 3 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था, तो हमने बड़े प्यार में इस राउंड को भी निकाल दिया एंड इसी तरह हमारी 24 की स्ट्रीक बन गई थी एंड हमने 24 ही मैच खेले थे बस। नेक्स्ट डे भी हम लोग सारा मैच लगातार जीतते जा रहे थे लेकिन अब लगते है चैलेंज बस यहीं तक था। अभी स्ट्रीक टूट जाएगी, अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, अभी देख अभी देख, अभी हो जाएगा ना, हमारे 0-3 हो गए, अभी तू कैसे कर सकता, हो जाएगा 0 नहीं, एक राउंड हमने खेल लिया, यहां पर हमें अच्छी गन में है ना, एक साथ रहना बस, दो बंदे उधर से जाएंगे, दो बंदे उसने साथ में रहो भाई, कोई अभी बहुत तगड़ा है मारे में से नहीं, अभी देख लास्ट चांस है, मैं पूरा अपना बेस्ट, कैसे होगा ना बेस्ट है ना, हेलमेट कैसे होगा। इस टाइम पे हमारी टीम हार मान चुकी थी लेकिन फिर हमें वही चीज याद आई, अगर नहीं गए तो मैं तेरा फेस रिवील कर दूंगा, समझा। नो 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 वेट 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 सालम बचा बना कर सर, ये गन फट गया। की स्ट्रीक के साथ हम दोनों ने लगा लिया हीरोइक जो कि बहुत इंपॉसिबल था, अब देखो लास्ट वाले मैच में कुछ भी हो सकता था, अगर हम हारते तो ये चैलेंज यहीं पे ड्रॉप हो जाता, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस चैलेंज को यहीं पे ड्रॉप करते हैं, थोड़ा ब्रेक देते हैं। हाँ मतलब बहुत ज्यादा मतलब हो गया, मतलब टाइम हो गया, हम इतनी देर से खेले जा रहे हैं, वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो देखो अभी तक तो गाइस हम लोग हीरोइक पे पहुंचे हैं लेकिन हमें अभी बहुत ज्यादा आगे जाना ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इसको पता लग गया तो